नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे एवेन्यू सुपरमार्ट के बारे में और इसके कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस को जानेंगे इस वीडियो में, और क्या प्राइस होगा इसका, लोअर प्राइस क्या होगा, अपर प्राइस क्या होगा, ये भी बताएंगे। इस वीडियो के बाद आप कंप्लीट रूप से एवेन्यू सुपरमार्ट के बिजनेस मॉडल को जान सकेंगे और कैसे ये प्रॉफिट अर्न करती है ये भी जान सकेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले बता दें, इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका हर एक लाइक और हर एक शेयर हमें एक नई मोटिवेशन देता है आपके लिए अगले वीडियो को बनाने के लिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं हम आ चुके हैं टेक्निकल चार्ट पे। यहाँ चार्ट पे आप देख सकते हैं ये हमारा नीचे का ब्लू लाइन है 200 डे का मूविंग एवरेज, ये हमारा ग्रीन लाइन 100 डे का मूविंग एवरेज, ये येलो लाइन है हमारा 50 डे का मूविंग एवरेज, और ये ऊपर वाला ब्लू लाइन है हमारा 20 डे का मूविंग एवरेज। और देख सकते हैं अभी प्राइस जो है हमारा एवेन्यू सुपरमार्ट का वो 20 डे के मूविंग एवरेज और 50 डे के मूविंग एवरेज के जस्ट नीचे है, देख सकते हैं आप। आज जो करेंट प्राइस है एवेन्यू सुपरमार्ट का वो देख सकते हैं 2175 रुपीज़ 60 पैसा, ये करेंट प्राइस है एवेन्यू सुपरमार्ट का, और ये 200 डे से काफ़ी ऊपर है, 100 डे से भी ऊपर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एवेन्यू सुपरमार्ट का RSI है 37 के आसपास, मतलब RSI आपको जो सिग्नल दे रहा है बाइंग का सिग्नल, कि यहाँ पर आप इसका बाइंग कर सकते हैं एवेन्यू सुपरमार्ट में। तो हम इसके टेक्निकल चार्ट पर सपोर्ट को भी देखेंगे कहाँ पर सपोर्ट बनता है प्राइस का। तो चलिए हम इसके टेक्निकल चार्ट पे सपोर्ट को देख लेते हैं, प्राइस पर सपोर्ट क्या मिल रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो मेजर सपोर्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो 1800 का है, देख सकते हैं आप मेजर सपोर्ट जो है 1800 का, यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ से 1 times, यहाँ पर देख लीजिए 2 times, फिर यहाँ पर देखिए ऊपर गया, फिर यहाँ पर आया, एक बार ये 1800 के लेवल को ब्रेक किया है, लेकिन जस्ट ब्रेक किया और फिर यहाँ से रिटर्न हो गया, फिर यहाँ पर देख सकते हैं 1800 के आसपास, मतलब 1800 से जस्ट थोड़ा सा नीचे ये आता है, फिर जंप करता है, और फिर यहाँ से एक तेज़ मूवमेंटम देखने मिलता है, फिर से यहाँ से एक तेज़ पैंडेमिक सिचुएशन जो था हमारा, जो कोरोना वायरस का सिचुएशन जिसके कारण सारे स्टॉक्स में फॉलिंग हुआ, उस सिचुएशन के कारण इसमें यहाँ पर देख सकते हैं इसमें भी फॉलिंग हुआ, लेकिन 1800 के लेवल को जैसे ब्रेक किया, उसके बाद ब्रेक करने के बाद जस्ट यहाँ पर थोड़ा सा 1800 से नीचे आया, फिर इसी प्राइस से देख सकते हैं ऊपर की ओर फिर से एक तेज़ मोमेंटम देखने मिलता है। तो जो 1800 है एवेन्यू सुपरमार्ट का सबसे मेजर सपोर्ट है, इस सपोर्ट को ये जस्ट तोड़ता है, मतलब इस सपोर्ट से जस्ट थोड़ा सा नीचे आता है और बार बार ये बाउंस बैक करता है। तो समझ सकते हैं ये प्राइस पर जैसे आपको मिलता है एवेन्यू सुपरमार्ट, तो कभी भी इन्वेस्ट करने से मत चूकिएगा। तो 1800 के आसपास जब भी मिलता है तो आप कभी मत चूकना। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए अभी बता दें कि जो इसका जो अभी जो प्राइस देख रहे हैं वो है हमारा 2175, तो ये तो हुआ मेजर फॉल होगा, तब जाके वो 1800 पे आपको मिल पाएगा। लेकिन अगर उतना बड़ा फॉल नहीं आता है, क्योंकि अभी मार्केट में बहुत ही करेक्शन देखा जा रहा है, तो उतना बड़ा फॉल नहीं आता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो पोजीशन है वो हमारा है 2120 रुपीज़, मतलब 2120 रुपीज़ ये इसका सपोर्ट बनता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बार यहाँ पे भी देखिए फॉलिंग हुआ था, यहाँ पर ये 2100 के ऊपर से ही ये देख सकते हैं यहाँ पर भी फॉलिंग हुआ, रिटर्न हो गया, फिर यहाँ पर फॉलिंग हुआ 2100 के आसपास, फिर से यहाँ रिटर्न हो गया, फिर देख सकते हैं यहाँ पर बार बार ये जो है 2100 के ऊपर से ही ये प्राइस जो फॉलिंग होता है, तो फिर से वहाँ से एवेन्यू सुपरमार्ट अपना जो है रिकवर कर जाता है। तो 2100 मतलब 2100 जो है इसका यहाँ पर जो मेजर सपोर्ट है, उस सपोर्ट को तोड़ता है, तब सबसे उससे भी बड़ा मेजर सपोर्ट है 1800। तो सबसे पहले तो आपको 2100 का सपोर्ट जब टूटता है, तब आपको ये 1800 के आसपास आपको वहाँ पर मिल सकता है, मतलब ये जो मार्केट में लगातार फॉलिंग देखा जा रहा है, तो यहाँ पर सबसे पहले 2100 इम्पॉर्टेंट है, कि ये जो है 2100 के सपोर्ट को तोड़ता है, तब जाकर के इसमें अगर बहुत बड़ी गिरावट आती है तो जो इसका मेजर सपोर्ट है वो है 1800। लेकिन हमें नहीं लगता है कि ये 2100 के सपोर्ट को जल्दी तोड़ेगा,
तभी तोड़ सकता है जब ये बहुत बड़ा मार्केट में फॉल आए। तो आप समझ गए होंगे कि जो 2100 है ये एवेन्यू सुपरमार्ट का सबसे बड़ा सपोर्ट है अभी के लिए। अगर ये 2100 के सपोर्ट को तोड़ता है तब जा कर के आपको 1800 के सपोर्ट पर मतलब आपको बाइंग करना है। तो सबसे पहले आपको ये देख ध्यान रखना है, ये 2100 के सपोर्ट को तोड़ता है तब जा कर के ये फिर से आपको 1800 जो मेजर सपोर्ट है, सबसे बड़ा मेजर सपोर्ट उस पर मिल सकता है। 1800 के सपोर्ट को तोड़ने का कोई भी अभी तक वैसा कारण नहीं है, वैसा कोई काउज नहीं है। अगर वैसा ही कोई न्यूज़ आ जाता है जो कि एवेन्यू सुपर मार्ट के बिल्कुल विपरीत हो तभी ये सपोर्ट टूट सकता है। तो सबसे पहला सपोर्ट हुआ 2100, उसके बाद 1800, तो ये दो सपोर्ट बनता है। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसमें जस्ट वेट कर सकते हैं कि जैसे इसमें कभी भी करेक्शन आता है ये स्टॉक्स आपको 1800 के आसपास मिलता है तो ले सकते हैं। ऐसे हम कहेंगे आप SIP मोड में इन्वेस्ट करें, आप 2100 पर जैसे आता है तो वहाँ पर कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करें, फिर जैसे जैसे इसमें गिरावट आती है तो वैसे वैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी कोई भी इस पे गिरावट आने की वैसी संभावना नहीं है, लेकिन जैसे आप करेक्शन कभी पाते हैं तो आप इसमें इन्वेस्ट करना अपना SIP मोड में शुरुआत कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इसके बिजनेस मॉडल का, बिजनेस मॉडल इसका क्या है, फिर इसके फंडामेंटल एनालिसिस का हम बात करेंगे, ये कैसे कंपनी प्रॉफिट में करती है उसको भी जानेंगे। तो बिजनेस मॉडल, फिर कैसे प्रॉफिट अर्न करती है कंपनी उसको जानते हैं, फिर इसके फंडामेंटल एनालिसिस को हम करेंगे। तो अब हम एवेन्यू सुपरमार्ट के बिजनेस को समझते हैं, फिर ये अपने बिजनेस से कैसे रेवेन्यू अर्न करती है उसको जानेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए बिजनेस मॉडल, कंपनी जो है एवरी डे जो यूज होने वाले प्रोडक्ट्स हैं उसे सेल करती है। तो जो भी प्रोडक्ट हमारा एवरी डे यूज में आता है वैसे प्रोडक्ट को सेल करती है, जैसे फूड से रिलेटेड प्रोडक्ट हो या नॉन फूड से रिलेटेड, जैसे भी जो भी प्रोडक्ट है जो कि हम एवरी डे यूज़ करते हैं, जैसे हम फेस वाश यूज़ करते हैं, साबुन यूज़ करते हैं, और भी सारी चीज़ें जो कि हमारा नॉन फूड से रिलेटेड है लेकिन हम एवरी डे जो यूज़ करते हैं वैसे आइटम्स को सेल करती है एवेन्यू सुपरमार्ट। और जो जनरल हमारा मर्चेंडिस है, ये सारे प्रोडक्ट यूज कर वाले जो होते हैं एवरी डे यूज वाले, उसे एवेन्यू सुपरमार्ट अपने स्टोर पे सेल करती है। उसके बाद है इट ऑपरेट्स ऑन बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू कंज्यूमर बेसिस जो है इस पे ये वर्क करती है, इस मॉडल पे वर्क करती है, जहां गुड्स जो है डायरेक्टली सोल होता है फ्रॉम मैन्युफैक्चर टू एंड यूजर, जो हमारा कंज्यूमर है उसे डायरेक्ट ये सेल करती है, मतलब जो हमारा मैन्युफैक्चर है उससे लेती है और डायरेक्ट कंज्यूमर को सेल करती है। तो ये बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल है हमारा एवेन्यू सुपरमार्ट का। जो मिडिल वाले आदमी होते हैं उसे एवेन्यू सुपरमार्ट हटा देती है और कंज्यूमर को बहुत ही सस्ते प्राइस पर उपलब्ध कराती है सामान। तो इसलिए इसका बिजनेस मॉडल जो है बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल बहुत ही बेहतरीन है। अब हम जानते हैं कि ये प्रॉफिट कैसे अर्न करती है। तो देख सकते हैं पहला जो हमारा है रिड्यूस एक्सपेंस, ये अपने एक्सपेंस को जो है रिड्यूस करता है, जो हमारा रेवेन्यू कैसे मेक करता है उसकी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो है ये क्या करता है, रिड्यूस एक्सपेंस, जो एक्सपेंस होता है उसे रिड्यूस कर देता है। एक्सपेंस कम हो गया तो ये उस जो प्रोडक्ट होते हैं उस पर अपना मार्जिन प्रॉफिट का कम कर देता है। तो उसके बाद रिड्यूस कैसे करता है एक्सपेंस, तो इफिशियंट स्पेस यूटिलाइजेशन, जो इफेक्टिव रूप से स्पेस को यूटिलाइज करता है, मतलब जो छोटे छोटे स्पेस होते हैं सबको यूज कर लेता है। उसके बाद लेस नंबर ऑफ बिलिंग काउंटर्स रखता है, बहुत ही काउंटर कम रखता है। उसके बाद बेसिक, बहुत ही वेरी बेसिक एंड लो मेंटेनेंस इंटीरियर ऑफ द स्टोर, अपने स्टोर को इस प्रकार डिज़ाइन करता है जिसके मेंटेनेंस में बहुत ही कम खर्चा है। और जो स्पेस का यूटिलाइजेशन होता है कि उसमें इस तरह से मतलब टेबल तैयार करता है, उस तरह से सारे चीज़ को स्टोर किया जाता है सामान को कि सारा छोटा से छोटा स्पेस भी यूटिलाइज हो जाए। तो कुछ इस तरह से ये अपना रेवेन्यू अर्न करती है कि हर छोटे छोटे स्पेस को यूटिलाइज कर देता है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो गुड्स होते हैं वो वहाँ पर स्टोर हो सके। उसके बाद होता है स्लॉटिंग फीस, ये जो होता है मैन्युफैक्चर, मतलब जो मैन्युफैक्चर है वो अपना सामान अगर सेल करना चाहता है इनके स्टोर में मतलब इनके मॉल में, तो वो उससे एक फ़ी चार्ज करता है जिसे हम एंट्री फी ऑफ प्रोडक्ट कह सकते हैं। ये एंट्री फी किस प्रकार चार्ज करते हैं, जैसे अगर आप कोई सामान मान लीजिए आपके जो हाइट है वो आपके गले के हाइट पर है, तो वो सामान आप ज़्यादा तेज़ी से देख सकते हैं, मतलब
ज़्यादा नज़र आपका जाता है, लेकिन कोई सामान नीचे वाले रैक पर रखा हो तो उस पर आपका नज़र कम जाता है। तो जो नीचे वाला रैक है उस पर फी कम चार्ज करते हैं, जो ऊपर वाले होते हैं जो आपके मतलब हाइट में होता है, मतलब आपके जो शोल्डर है उस हाइट में होता है, तो उस हाइट वाले स्लॉट में कोई रखना चाहता है, मतलब उस वाले रैक में कोई सामान रखना चाहता है, उसके लिए ज़्यादा स्लॉटिंग फी चार्ज करते हैं। साथ साथ जैसे चिल्ड्रेन हो गया, तो जो चिल्ड्रेन होते हैं देखते हैं चॉकलेट पर उनका ज़्यादा ध्यान रहता है, तो वो कहाँ रहता है, जहाँ पे हम बिलिंग काउंटर रहता है। तो उसी तरह से जो बच्चे का ध्यान जैसे बिलिंग काउंटर पे जाते हैं तो जाता है, तो उन्हें चॉकलेट चाहिए तो आप भी उन्हें चॉकलेट देते हैं। तो उसी तरह से ये स्लॉटिंग फी के अनुसार वो तय करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ रखा जाए। तो प्रोडक्ट को बहुत ही कस्टमर के एकदम आई के सामने रखने के लिए अधिक फी चार्ज करते हैं। तो इससे क्या होता है, वो जो स्लॉटिंग फी चार्ज करते हैं, जैसे 1 रुपी चार्ज किए तो उसमें से 50 पैसा डिस्काउंट के रूप में कंज्यूमर को दे देते हैं, मतलब जो कस्टमर होते हैं उनको दे देते हैं। तब प्रोडक्ट इनका क्या हो जाता है, बहुत ही चीप वैल्यूएशन पर इनके सुपरमार्केट में मिल जाते हैं। तो कुछ इस तरह से प्रॉफिट ये अर्न करते हैं। अगला है हमारा लो परचेज प्राइस फॉर द प्रोडक्ट। देखिए लो परचेज प्राइस मतलब बहुत ही कम प्राइस में ये प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरर से परचेज करते हैं। कैसे परचेज करते हैं, जैसे और सारे इंडस्ट्री के जो सुपरमार्केट से अगर 10 डे में करते हैं तो ये 5 डे में अपना जो पेमेंट क्लियर कर देते हैं। इससे क्या होता है, जो मैन्युफैक्चरर है वो बहुत ही इनके इससे जो होता है एवेन्यू सुपर मार्ट के बिहेवियर से पर जो मैन्युफैक्चरर है बहुत ही खुश होते हैं, जिससे वो इन्हें डिस्काउंट में प्रोडक्ट देते हैं, क्योंकि उन्हें टाइम पर एकदम क्रेडिट से पहले पेमेंट मिल जाता है, तो उन्हें डिस्काउंट पे ऑफर करते हैं अपना प्रोडक्ट। इसलिए जो लो परचेज प्राइस होता है वो भी एवेन्यू सुपरमार्ट के प्रॉफिट अर्न करने में बहुत बड़ा बेनिफिट है। अगर इन्हें प्रोडक्ट पर 1 रुपीज का डिस्काउंट दिया मैन्युफैक्चरर ने, तो उसमें 60 पैसा खुद रखते हैं और 40 पैसा डिस्काउंट के रूप में क्या करते हैं, कस्टमर को दे देते हैं। इस तरह से इनके जो सुपरमार्केट है उसमें प्रोडक्ट बहुत ही सस्ते मिलते हैं। उसके बाद आता है हमारा वॉल्यूम सेल्स। अब देखिए प्रोडक्ट अच्छा मिले, जो ब्रांडेड कंपनी है उसका मिले, साथ ही साथ जो रीजनल होते हैं जिस रीजन में इनका स्टोर होते हैं वो रीजनल प्रोडक्ट को भी रखते हैं। तो इस तरह से जो इनके यहाँ लो कॉस्ट पे प्रोडक्ट मिलता है तो बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं। अब बहुत सारे कस्टमर आते हैं लो प्राइस में मिल रहे हैं तो और ज़्यादा कस्टमर्स आते हैं। तो इस तरह से जो वॉल्यूम सेल होता है ये भी इनके प्रोडक्ट को मतलब इनके प्रॉफिट को इंक्रीज करता है। पहला तो लो प्राइस, उसके बाद हाई वॉल्यूम, उसके बाद आता है रीजनल गुड्स। तो पहले भी हमने बताया कि इनका स्टोर जो है 12 स्टेट्स, लगभग भारत के 12 स्टेट्स में इनका स्टोर्स है। तो अलग अलग जो रीजन में इनका स्टोर है तो वहाँ का रीजनल सामान भी वो रखते हैं, मतलब जो भी एरिया स्पेसिफाइड प्रोडक्ट है उसको भी अपने स्टोर में रखते हैं, तो जिससे उस एरिया के सभी आदमी का रीच बढ़ता है इनके स्टोर तक। तो कुछ इस तरह से एवेन्यू सुपरमार्केट अपना प्रॉफिट अर्न करती है। अगला है हमारा जो सेल्फ ओन्ड स्टोर्स, इनके जो भी स्टोर्स हैं उनका खुद का जो उनका खुद का बिल्डिंग है, उनका खुद का जो लैंड है, मतलब ये अपना खुद का लैंड खरीदते हैं पहले, फिर उस पर अपना बिल्डिंग खुद का बनाते हैं, फिर उसमें स्टोर खोलते हैं। तो इसको ना तो रेंटल कॉस्ट लगता है, इसलिए इनका जो कंपनी है बिल्कुल डेब्ट फ्री है या लो डेब्ट कंपनी है इनका, जो इनसे बहुत ही फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी बनाती है। तो लगभग इनके जो स्टोर्स हैं 80% to 90% स्टोर्स खुद के प्रॉपर्टी पे, खुद के बिल्डिंग में हैं। तो ये भी इनके जो प्रॉफिट मेक करने का बहुत बड़ा स्रोत है कि क्योंकि इन्हें रेंटल कॉस्ट नहीं लगता और ये फाइनेंशियली कंपनी जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अगला है टारगेटेड ऑडियंस, ये जो बहुत ही ब्रांडेड क्वालिटी रखते हैं, एक्सेलेंट क्वालिटी और ब्रांडेड प्रोडक्ट रहते हैं, जिससे इनके जो सारे के सारे जो कस्टमर्स हैं बहुत ही टारगेटेड रहते हैं, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट अच्छे ब्रांडेड प्रोडक्ट हैं वो सारे के सारे कस्टमर्स एक बार लिए फिर आएंगे, दोबारा लिए, तीसरी बार आए, तो जितने बार लेंगे वो उस ब्रांड के प्रोडक्ट को खरीदने के लिए बार बार इनके स्टोर्स में आएंगे। उसके बाद आता है एलिमिनेट्स मिडिल मैन, ये तो डायरेक्ट जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर से बाय करते हैं और डायरेक्ट इनके स्टोर्स में रखते हैं और स्टोर से डायरेक्ट कंज्यूमर बाय करते हैं। तो इस यहाँ पर जो सारे के सारे जो मिडिल मैन है वो उनका जो कमीशन है वो ख़त्म हो गया, तो वो सारे के सारे जो कमीशन इनका बचत हो गया तो वो इस MRP पर जो प्रोडक्ट का MRP होता है उससे कम प्राइस पर ये क्या करते हैं सामान कंज्यूमर को जो कस्टमर्स है उसे पहुंचाते हैं। तो इसलिए तो जो कस्टमर्स भी बहुत ही अट्रैक्ट होते हैं इनके स्टोर्स
की ओर, और क्योंकि कंज्यूमर को जो कस्टमर्स है उन्हें बहुत ही लो कॉस्ट में प्राइस मिल रहा है, तो इस तरह से मिडिल मैन को गायब कर ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट में करते हैं और इस तरह से अपना डीमार्ट का जो ब्रांड वैल्यू है उसे भी क्रिएट किया है। और इनके बहुत सारे स्टोर में इनके खुद के जो बहुत सारे जो एसेंटियल आइटम्स हैं, तो बहुत सारे अपने नाम से डीमार्ट ब्रांड से भी एसेंटियल आइटम्स को अपने स्टोर में बेचते हैं। तो ये सारे के सारे इनके जो रेवेन्यू अर्न करने के बिजनेस मॉडल हैं, तो बिल्कुल आपको ये अच्छा लगा होगा इनके इस बिजनेस मॉडल को, इनके प्रॉफिट मेक करने के मॉडल को समझने में। तो आगे चलते हैं, इसके चार्ट को देखते हैं, चार्ट पे कैसा रेवेन्यू रहा है, कितना डेप्ट है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम आ चुके हैं टिकट टेप के वेबसाइट पर। अभी जो एवेन्यू सुपरमार्ट का करेंट प्राइस है वह है 2182 रुपीज़, और आप देख सकते हैं ये जो इनका हाई प्राइस है, वन ईयर का हाई प्राइस वह है 2560 रुपीज़, और जो लो प्राइस है 100 का और जो लो प्राइस है वन ईयर का वह है 1226 रुपीज़। अगर यहाँ पर कोई बाय किया होता अपने इसके लो प्राइस पर, 52 वीक के लो प्राइस पर, और यहाँ पर सेल किया होता, तो समझ सकते हैं उसे 100% से भी ज़्यादा का प्रॉफिट होता। तो समझ सकते हैं ये जो हमारा जो पैंडमिक सिचुएशन, अगर ये नहीं आया होता तो अभी एवेन्यू सुपरमार्ट आपको जो 52 वीक हाई है उस प्राइस पर ही अप्रॉक्स मिलता, या हो सकता है ये और नया हाई बनाता, क्योंकि अभी इस जो पैंडमिक सिचुएशन है इसी कारण देख सकते हैं ये स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट आई है। तो यहां पर आप देख सकते हैं वन ईयर में जो रिटर्न है 73% से भी ज्यादा है, 0.85 भी है, और तो एक ईयर में समझ सकते हैं इसका जो लो जा सकता है और हाई जा सकता है ये आपने देख लिया। टेक्निकल एनालिसिस पे भी बता दिया, इनका लो जरूर है कि ये 1200 के आसपास है, लेकिन ये लो आपको अब जो है बहुत ही असंभव है ये मिलना इस लो प्राइस पर, क्योंकि इसका जो आपने देखा टेक्निकल भी बहुत स्ट्रांग है और फंडामेंटल आपको अब हम दिखाने जा रहे हैं कि फंडामेंटली भी ये स्टॉक्स बहुत ही स्ट्रांग है। तो आपने 52 वीक लो और हाई देख लिया, ये रेंज है वन ईयर का। उसके बाद हम चलते हैं अब इसके फाइनेंशियल पर, आपको इसके फाइनेंशियल्स दिखाते हैं। अब यहाँ देख लीजिए 2015 और यहाँ पे हमारा 2019। अब देखिए रेवेन्यू किस प्रकार इंक्रीज हुआ है, देख सकते हैं रेवेन्यू लगातार इंक्रीज हुआ है। यहाँ देखिए 20,000 करोड़ यहाँ तक रेवेन्यू पहुँच चुका है, जबकि ये हमारा 2015 में मात्र 6,439 करोड़ था। तो समझ सकते हैं रेवेन्यू इसका लगातार इंक्रीज हुआ है। वहीं आप देख सकते हैं जो नेट इनकम है 211 करोड़ था, देख सकते हैं यहाँ पर 211 करोड़, और यहाँ से इंक्रीज होकर के ये 2019 में पहुंच चुका है 902 करोड़ प्रॉफिट इंक्रीज होकर के यहां तक पहुंच चुका है। और ईपीएस अर्निंग पर शेयर देख लीजिए 3.39 था 15 में, और ये पहुंच चुका 19 में कितना 14.25 तक। तो समझ सकते हैं ये लगातार जो कंपनी का फंडामेंटल्स है, सारे फंडामेंटल्स बहुत ही तेज़ी से इंक्रीज हो रहे हैं। तो इसलिए आपको हम अब दिखाते हैं इसके पीर के साथ कंपैरिजन, जो इनके इंडस्ट्री के सारे जो और सारी कंपनियाँ हैं उसके साथ कंपैरिजन। यहाँ पर देख सकते हैं पी रेशियो, इस कंपनी का पी रेशियो कितना हाई है, देख सकते हैं 153 पी रेशियो है इस कंपनी का, और देख सकते हैं कोई भी कंपनियां इसके आसपास भी नहीं है। देख सकते हैं वी मार्ट से ये 3 टाइम्स है, और फ्यूचर रिटेल 30 टाइम्स, फ्यूचर रिटेल से देख सकते हैं अप्रॉक्स 30 टाइम्स है। वहीं पी वी रेशियो देखिए 24, देख सकते हैं, और सारे का देखिए पी वी रेशियो कितना कम है। तो इंडस्ट्री के और सारे जो देख सकते हैं और सारे जो कंपनियां उससे इसका पी रेशियो बहुत ही बेहतरीन है। कंपनी अभी लगातार ग्रोथ पे ध्यान दे रही है, इसलिए इसका कोई भी डिविडेंड ऑफर नहीं करती है, कंपनियां ग्रोथ अभी कर रही है, तो ग्रोथ कर रही है तो अपना सारा का जो प्रॉफिट है वो अपने ग्रोथ पे खर्च करती है, तो इसलिए आप डिविडेंड इसमें देख सकते हैं कोई भी डिविडेंड ये प्रोवाइड अभी नहीं करती है। अब हम आपको दिखाते हैं कंपनी के ऊपर जो है कितना डेप्ट है, कंपनी के ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर टोटल डेप्ट है 424 करोड़ मार्च 2019, अभी 20 का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो 19 के अनुसार अभी टोटल डेप्ट जो कंपनी के ऊपर वो है 424 करोड़, और ये डेप्ट लगातार थोड़ा सा बढ़ रहा है, तो कंपनियाँ लगातार ग्रोथ पे ध्यान दे रही है तो डेप्ट थोड़ा बढ़ेगा ही। इतना डेप्ट बहुत ही मामूली डेप्ट है, क्योंकि कंपनी के पास जानते हैं कि जो खुद का अपना सारा एसेट है, खुद का लैंड है, खुद का बिल्डिंग है, और जो सबसे बड़ी बात है ये जो कंपनी फंडामेंटली इतना स्ट्रांग है, इसका कारण है कि इसका जो ऑनर है, इसका जो फाउंडर है, वो खुद एक बहुत ही स्टॉक मार्केट के बड़े इन्वेस्टर राधा कृष्ण दामानी,
इनके फाउंडर है एवेन्यू सुपरमार्ट के। तो समझ सकते हैं जिनके फाउंडर स्टॉक मार्केट सबसे बहुत ही सक्सेसफुल, जो आप राकेश झुनझुनवाला जी को जानते हैं वो उसी तरह ये भी बहुत बड़े स्टॉक मार्केट के सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं राधाकृष्ण धामानी जी। तो उनकी ये कंपनी है, उन्होंने इसे फाउंडेड किया है, मतलब इसे बनाया है। तो समझ सकते हैं इसलिए ये स्टॉक्स फंडामेंटली बहुत ही बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये था कंप्लीट एनालिसिस एवेन्यू सुपरमार्ट का, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।